ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी 27 कोश का तीसरा देह पार्ट एक, जिसमें हम परमात्मा क्या करता है क्या नहीं करता है इन बातों पर विचार करेंगे। पहला विषय है, क्या परमात्मा ही सब कुछ कर रहा है या इसको कहा जाता है क्या पत्ता पत्ता परमात्मा की इच्छा से उड़ता है। कहते हैं कि भगवान की मर्जी से ही के बिना तो एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। संसार में जो कुछ भी होता है वो परमात्मा ही कर रहा है। दुख दे रहा है तो परमात्मा, हमारे से गलत काम करा रहा है तो परमात्मा, हमारे से अच्छे काम करा रहा है तो परमात्मा, सब कुछ परमात्मा ही करा रहा है। ये हमारे सबके दिमाग में बैठा हुआ है। अब ये क्वेश्चन उठा, क्या ये सब कुछ परमात्मा कराता है या नहीं कराता है? अब सच तो सिवाय परमपिता परमात्मा शिव के, वो जो मुझे समझ में आ रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करूं। परमपिता परमात्मा कहते बच्चे, ये वर्ल्ड ड्रामा है। ड्रामा में सारी आत्माएं एक्टर हैं, मैं भी प्रिंसिपल एक्टर हूं। डायरेक्टर होने पर भी डायरेक्ट करने वाला एक्टर हूं, दिशा निर्देश करने वाला भी मैं हूं, परंतु एक बात बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है कि ये ड्रामा बना बनाया बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। ये वीडियो आप जरूर देखेंगे। इस वीडियो को समझने के लिए आपको ये भी देखना होगा सत्य क्या है, मुर्गी पहले कि अंडा पहले, बीज पहले कि पेड़ पहले। क्योंकि सच समझ में आएगा तो आप समझ सकेंगे कि मैं भी एक एक्टर हूं, मेरा अपना रोल है, मैं अपना रोल प्ले करता हूं और इस वर्ल्ड ड्रामा के अंदर जितनी भी आत्माएं हैं सबका रोल एक्टिवेट है। कोई अपने रोल में मिस्टेक नहीं करती। जैसे हम छोटी छोटी एक्टिविटीज को देखें कि परमात्मा की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, परमात्मा कहते मेरे को कोई काम नहीं है क्या, मैं पेड़ के पत्ते हिलाने के लिए बैठा हूं। पेड़ के पत्ते तो हवा चलती है उससे हिलती, फिर कहते हवा आप चला रहे हो तो मैं हवा को चलाने का काम करूंगा क्या। हवा चलती है प्रकृति के नियम के अनुसार, जन्म लेना यह आत्माओं का काम है, बीज का काम है पौधा बनाना, मेरा काम थोड़ा है उसमें। बीज डलेगा, बीज अपने आप ही धरती से जो तत्व उनको मिलेंगे साधन सुविधाएं मिलेंगी और वो उसी प्रकार से पेड़ बनाएगा। ये बीज की विशेषता है, हर एलिमेंट की हर तत्व की हर एक की अपनी अपनी विशेषता है, वो अपनी अपनी विशेषता से अपने अपने काम करता है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं। मैं क्यों किसी को कहूंगा कि तुम गलत करो,
मैं किसी को चोरी करने के लिए क्यों कहूंगा, बेईमानी करने के लिए क्यों कहूंगा, ठगी करने के लिए क्यों कहूंगा, मर्डर करने के लिए क्यों कहूंगा, भ्रष्टाचार करने के लिए क्यों कहूंगा। यदि मैं उनको भ्रष्टाचार करने के लिए कहूंगा तो भ्रष्टाचार कराने वाला मैं हो गया ना, तो मैं भी तो पाप की सजा भोगने का अधिकारी हो गया ना। बहुत अच्छी तरह से परमात्मा के प्रिय बच्चे याद रहे, हर एक आत्मा कर्म करने के लिए स्वतंत्र है और कर्म फल भोगने के लिए परतंत्र है। मेरे रोल में ये है कि जब सारी दुनिया पतित तमो प्रधान भ्रष्ट हो जाए तो मैं आकर रास्ता दिखाऊं, संग मार्ग पर चलने का। बस मेरा इतना काम है कि मैं आपको सत्य मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाता हूं, आत्माएं आपको जितना ध्यान से उस रास्ते पर सुनते हो, चलते हो, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हो, आप अपना रोल खुद निश्चित करते हो। मैं नहीं करता, क्योंकि मैं करूं तो मैं एक्यूरेट परफेक्ट करूंगा ना, मेरे डिसाइडेड रोल में कोई मिस्टेक थोड़ा हो सकेगी, कोई छोटा बड़ा थोड़ा हो सकेगा, मेरे लिए कोई अपना पराया थोड़ा ही है। बहुत क्लियर आज परमात्मा हमें समझाते बच्चे, आप कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं परंतु कर्म का फल भोगने के लिए परतंत्र हैं। मैं ना तुम्हें सुख देता हूँ, ना मैं तुम्हें दुख देता हूँ, ना मैं तुम्हें कोई सांसारिक वस्तु देता हूँ। मैं केवल और केवल सारे विश्व को श्रेष्ठ बनाने के लिए सत मार्ग दिखाता, ज्ञान देता, बस उस ज्ञान पर चलना या ना चलना वो आप आत्माओं का अपना रोल है। और जैसे कर्म करते हो वैसे आपको कर्म का फल मिलता है, क्रिया की प्रतिक्रिया मिलती है। मैं कुछ मैं अकर्ता नहीं हूं, यहां याद रखना है मैं ज्ञान देता, बाकी ये सब कुछ जो कुछ चल रहा है ये ड्रामा अनुसार हर आत्मा के अपने रोल के मुताबिक वो चला रहे। विस्तार से समझने के लिए या आपके मन में कोई प्रश्न हो उसे जानने के लिए या तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क करें या 9213106986 पर अपना प्रश्न व्हाट्सएप। ओम।